इस तरह का है कि आपकी एक्टिंग की तारीफ हुई है, लेकिन कुछ पत्रकारों ने इस तरह का कहा है कि आपकी बॉडी वेट ज्यादा है जी, उसको किस तरह से इस क्वेश्चन को किस तरह आई थिंक सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू लूज वेट, इसलिए ताकि मैं एक फिटर लाइफस्टाइल जी सकूं, मैं इसलिए वेट लॉस करना चाहती हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठती। आई थिंक अगर किसी को लगता है कि ये शेप, ये साइज और ये वेट ही ब्यूटीफुल होता है, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अभी हम लोग को ऑब्जेक्टिफाई करना औरतों को और उस मानसिकता से निकलना चाहिए बाहर कि इस तरह की लड़की ही सुंदर दिख सकती है और इस तरह की लड़की खूबसूरत नहीं दिखती। हर किसी को हर शेप हर साइज में एक्सेप्ट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए उनकी खूबसूरती से। एंड हम लोग कई बार देखते हैं कि ये मापदंड सिर्फ और सिर्फ हीरोइनों के लिए होता है, हीरोज़ के लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो बिलो एवरेज दिखते हैं पर फिर भी जनता ने उन्हें प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। ये बहुत ऐसे हीरो हैं जो गंजा हैं। हाँ बिल्कुल। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बाल नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्टर नहीं है। यस, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत बल्कि हैं, बहुत मोटे हैं जी, तो वो ऐसा नहीं कि वो हीरो नहीं है। बिल्कुल, तो सब हैं। आपको जरूरत है कि आदमी की एक्टिंग को परखिए कि वो कैसा दिखता है, कैसा परफॉर्म करता है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस में कमी है, तो आप उंगली करिए। बड़ी स्लिम हो, बहुत ट्रिम हो, बहुत बहुत बिल्कुल एक लकड़ी की हो आप, और एक लकड़ी की हो और एक्टिंग आपको आपकी जीरो हो, जो देखे वही गरिया है। इसका मतलब क्या है? तो मैं मुझे तो फक्र है ये चाहे जितना भी इनका वो हो, बॉडी वेट हो या जैसी भी हो, पर ये जब परफॉर्म करती हैं, जब एक्ट करती हैं, तो आदमी का ध्यान सिर्फ चेहरे पे और एक्टिंग पे जाता है। मैं तो आंखों के नीचे कुछ देख ही नहीं पाता, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस होता है। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।